महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक चल रही है। एआईसीसी मुख्यालय में फिलहाल ये मीटिंग चल रही है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक में मौजूद है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत तमाम बड़े लीडर्स इस बैठक में मौजूद है। तो महाराष्ट्र और झारखंड की सीटों को लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। तो बड़ी खबर, एआईसीसी मुख्यालय में ये मीटिंग चल रही है। महाराष्ट्र में भी क्योंकि चुनाव है, झारखंड में भी, ये दोनों राज्यों पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठक में मौजूद हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही है चुनावों से जुड़ी हुई, और ये अहम मीटिंग देखिए किस तरीके से कांग्रेस की हो रही है, जिसमें आगे किस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर जीत हासिल करनी है, और उसमें शीट से शेयरिंग को लेकर कांग्रेस लगातार इस पर मंथन चिंतन कर रही है। महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई लिस्ट नहीं सामने आई है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि केंद्र नेतृत्व से बात की जाएगी, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि कुछ क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या खबर है इस मीटिंग को लेकर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए करिश्मा, सबसे पहले आपको बता दूं कि करीब 5:15-5:30 बजे के आसपास जो ये बैठक है वो शुरू हुई है, और पहले जो है वो महाराष्ट्र को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में डिस्कशन किया जा रहा है। करीबन 96 सीटों पर जो है वो चर्चा इस बैठक के अंदर चल रही है, और इस बैठक की अध्यक्षता खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जो केंद्रीय चुनाव समिति के जो सब सदस्य हैं वो सभी बैठक में मौजूद हैं। देखिए करिश्मा, सबसे तौर पर पहले आपको बताऊँ कि सीट बंटवारे को लेकर अभी जो है वो काफी असमंजस की स्थिति में उद्धव गुट और कांग्रेस पार्टी के अंदर खींचतान जो है वो नजर आ रही है। दरअसल अगर स्टैटिक्स के हिसाब से आप देखें तो कांग्रेस मुंबई के अंदर करीब 36 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि आप 13 सीटों पर चुनाव लड़िए। तो वहीं जो विदर्भ का जो क्षेत्र है, जहां पर कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है, वहां पर उद्धव ठाकरे गुट जो है वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है, तो वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। तीसरी अगर बात आती है तो जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि शिवसेना उद्धव गुट जो है वो कोंकण, पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र में ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वहां पर उनका गढ़ माना जाता है। तो कई सीटों को लेकर जो है अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है। करीब 37 जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी के अभी महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर है, उसमें से आप कहीं करीबन 96 जो है 110 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी लड़ती है तो 96 सीटों पर जो है डिस्कशन अंदर चल रहा है। और ऐसी जानकारी है कि जल्द से जल्द जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो कर दी जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो पहली सूची में पार्टी जारी करेगी। इसके बैठक के बाद ही जो झारखंड की बैठक है वो शुरू होगी, लेकिन कुछ सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर डिस्कशन होना है, उसी की वजह से जो बैठक है काफी लंबी हो गई है। क्योंकि जो पहले अनुमान था, बताया जा रहा था करीब 6:30 बजे जो है वो झारखंड की बैठक शुरू हो जाएगी और करीब 1 घंटे के अंदर ये बैठक खत्म होगी, लेकिन कई सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है, लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है दोनों तीनों पार्टियों के बीच में, उसको लेकर भी जो है विचार विमर्श अंदर किया जा रहा है। यानी कि हम ये माने कि सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल कोई सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है, और यही देखिए संजय राउत की भी तरफ से जब स्टेटमेंट सामने आए थे, अगर हम महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें यहाँ पर प्रशांत, तो उनका ये कहना था कि अब केंद्र नेतृत्व से बात की जाएगी। तो क्या माना जाए, कांग्रेस क्या किन सीटों की, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उन सीटों की डिमांड कर रखी है, क्या इसको महाविकास अघाड़ी दल में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? जी देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि जो मुंबई के अंदर 36 सीटें हैं, उसमें से 18 कांग्रेस पार्टी लड़ने की इच्छुक है, तो वहीं जो उद्धव गुट है वो 13 सीट ही देने के लिए राजी है। तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं 2-3 चीजों को लेकर पेच फंसा हुआ है, और ऐसे सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक जो एक फॉर्मूला है वो तैयार किया गया है, एक सहमति बनी है, और कांग्रेस हाईकमान से भी जो है एक तरह से अप्रूवल जो है वो प्रदेश इकाई को जा चुका है, और कल फर्स्ट हाफ में शायद ऐसा हो सकता है कि सीट शेयरिंग का जो अलाउंस
अनाउंसमेंट है वो कर दिया जाए, क्योंकि पहले भी आपको ध्यान होगा कि लगातार 205 सीटों पर 288 सीटों में से 205 सीटें क्लियर हो चुकी थी कि एमवीए की सहमति बन चुकी थी, लेकिन कुछ सीटों पर जो है वो पेच फंसा हुआ था और वो यही है कहीं ना कहीं जो कोंकण क्षेत्र में आपको बता रहा हूँ और विदर्भ क्षेत्र बता रहा हूँ, जहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाहती है कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और दूसरी पार्टी को ज़्यादा सीटें ना दी जाए। तो इन्हीं को लेकर डिस्कशन जो है वो चल रहा है और शायद इसी को लेकर अंदर जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो भी चर्चा इस पर हो रही होगी, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता जो है हाईकमान मौजूद है, साथ ही साथ राज्य के बड़े नेता मौजूद है, तो एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश होगी और वो जो फॉर्मूला होगा वो आगे कन्वे कर दिया जाएगा, जिससे हो सकता है कि कल फर्स्ट हाफ में जो है एक अनाउंसमेंट, म्यूचुअल अनाउंसमेंट करी जा सके। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा इस मीटिंग से जुड़ी अपडेट्स प्रशांत आपसे लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि इस पूरे बैठक को लेकर अपडेट यही है कि सीट शेयरिंग को लेकर अब यहाँ पर बात मान मनोबल चल रहा है, हालांकि अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर फॉर्मूला तय किया जाता है।